गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं। आज हेयरिंग मशीन और दो ऑपरेशन थिएटर का यहाँ पे विधिवत तौर पे ओपनिंग की गई है और मुझे खुशी है कि पहले ये हॉस्पिटल 50 बेडेड था मगर अब ये 125 बेडेड हॉस्पिटल कर दिया गया है। इसके लिए मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री रफीक भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयास थे और प्रदेश की सरकार ने और डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने जो कंट्रोलर और सुपरिटेंडेंट हैं कंट्रोलर हैं हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल और कॉलेज के, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर, सरकार भी कॉकलियर इम्प्लांट को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, निःशुल्क बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जा रहा है और हर महीने 20 से 25 बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्या देखते हैं सरकार का ये जो कदम बच्चों के लिए और गरीब बच्चे जो बहुत लाभान्वित हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि इस तरीके से जो गरीब तबका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट मिले, यही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का ध्येय है और उसी के अनुरूप ये सब कार्य हो रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा आज के प्रोग्राम में ब्रेटली आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया है और आने वाले समय में हम सबकी कोशिश रहनी चाहिए कि मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा दानदाता आगे आएँ। मैं इस मौके पर विशेष तौर पर याद करूँगा सेठिया परिवार जी को, आज उनके भी परिवार से सदस्य आई थी और जो उनका मेडिकल क्षेत्र में हरदम सुविधा देने का ध्येय रहता है उसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए।